आपने ठीक नहीं किया मासा। ऐसा क्या कर दिया हमने नंदिनी? हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। आप जानती हैं ना, राजवीर जी ने मुझे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। तो ऐसा क्या गलत किया उन्होंने? हम तो बहुत खुश हुए, आखिरकार हमारे बेटे को अकल आ गई। और वैसे भी हर नाटक को एक वक्त पे तो खत्म होना ही होता है ना, जैसे कि आपकी ये शादी। ये शादी एक नाटक ही तो थी ना नंदिनी, नाटक जिसपे पर्दा गिराने का वक्त आ रहा है। पर्दा गिरने का नहीं, सच से पर्दा उठने का वक्त आ रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इस बार आपने ऐसी कौन सी चाल चली जिसे राजवीर जी को तलाक के लिए उकसाने में आप कामयाब हो गए? जैसे को तैसा, सिर्फ 2 रुपए ने सारा काम कर दिया। आपका आइडिया आप पर ही ट्राई कर दिया। इसका मतलब आप ही ने वो झूठा कॉल करवाया था? जो आप कर सकती हैं वो हम भी तो कर सकते हैं। जैसे आपने 2 रुपए के फोन कॉल से राजवीर को म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर लिया, वैसे ही हमने भी 2 रुपए का फोन कॉल करवा कर आपसे राजवीर की पत्नी कहलाने का हक छीन लिया। आपको राजवीर की नजरों के सामने और भी गिरा दिया। डिवोर्स के बाद आप चाहकर भी यहाँ नहीं रह पाएंगे, कोई चाहकर भी आपको नहीं रोक पाएगा। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकती हैं, इन पेपर्स को लेके आप मासा के पास जा सकती हैं, रो सकती हैं, गिड़गिड़ा सकती हैं, भीख मांग सकती हैं, ताकि वो राजवीर को डिवोर्स ना देने के लिए मजबूर कर सके। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। राजवीर जी से मेरा रिश्ता मेरा हक है, जिसे पाने के लिए ना तो मैं रोऊंगी, ना मैं गिड़गिड़ाऊंगी और ना ही मैं किसी के सामने भीख मांगूंगी। मेरा हक मैं प्यार से जीतूंगी, राजवीर जी का मान रखूंगी। वो नहीं चाहते कि घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी, किसी से भी नहीं। तब तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए तैयार हो जाए। उसकी नौबत नहीं आएगी, इस घर से मैं तब जाऊंगी जब राजवीर जी को आपकी सच्चाई पता चल जाएगी, उनकी गलत फहमी मैं दूर करूंगी। इसलिए मैं आपसे या आपके 2 रुपए के कॉल से हारूंगी। नंदिनी, राजवीर की इच्छा को पूरी कर दीजिए, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मासा, बहुत जल्द राजवीर जी आपके सामने इन पेपर्स के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे, बस आप देख लीजिए। बेटा, ये आपने ठीक नहीं किया। आवेग में आकर आपको ऐसे डिवोर्स पिटीशन नहीं फाइल करना चाहिए। वाह, आपको कैसे पता चला? बेटा, नंदिनी बहू ने बताया। हमारे पास आई थी फिर से माफी मांगने और काफी रो भी लग रही थी, हमसे देखा नहीं गया, इसीलिए सोचा आपसे आके बात करें, आपको समझाएं। यही फर्क है आप में और नंदिनी में। एक तरफ आप है कि उनसे अभी भी हमदर्दी रखी हुई, और वो आपका नाम बदनाम करने पर तुली हुई। बेटा रहने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। माँ, अभी भी हो रहा है। आपको मालूम नहीं नंदिनी ने अभी भी क्या किया है, और इतना हो जाने के बाद भी वो आपके पास माफी मांगने का झूठा नाटक करने के लिए आई। हमें तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि हमने उनको अपना बेस्ट फ्रेंड समझा,
बेटा जो कुछ भी हो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए आपको और नंदिनी को तो अलग होना ही था, लेकिन इस तरह से नहीं। हम देख सकते हैं आपको कितनी तकलीफ हो रही है बेटा, इसीलिए हमने आपको पहले ही वार्न किया था कि नंदिनी के साथ इमोशनली अटैच मत होइए। माँ हमें नंदिनी से अलग होते हुए कोई तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि जिसने हमारी माँ के खिलाफ बोला उसे हम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग कर रहे हैं। बेटा अभी आप गुस्से में, हमने नंदिनी को भरोसा दिया है कि हम आपसे बात करें। देखिए अभी के लिए डिवोर्स का ख्याल आप दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, कहीं कल आपको अपने फैसले पर पछतावा ना हो ना। नो वे, अब ये डिवोर्स होकर ही रहेगा जिसका हमें पछतावा कभी नहीं होगा। शाबाश बेटा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। राजवीर जी मेरी बात तो सुनिए। राजवीर जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मुझसे बात कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। राजवीर जी प्लीज, वो फोन कॉल से नहीं किया तो वो मासा। राजवीर जी टॉवेल अंदर नहीं है क्या? मैंने अंदर ही रखवाया था। एक मिनट रुकिए, मैं टॉवेल निकाल कर देती हूँ, ये लीजिए। राजवीर जी कैसी हो? दीदी आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा पहले आप मुझे ये बताओ कि वैलेंटाइंस डे कैसा रहा आपका? दीदी आपको पता है जीजू ने ना वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले मुझे कॉल किया था आपकी पसंद नापसंद जानने के लिए। मुझे तो आपने पहले सब कुछ बता दिया था कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस प्लान किए हैं। बट डोंट वरी, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा कि आपने मुझे पहले से सब कुछ बता दिया था। दीदी जीजू बहुत रोमांटिक है और आपसे प्यार भी तो कितना करते हैं। मुझे जल्दी से ये बताओ ना कि क्या क्या हुआ वैलेंटाइंस डे पे? अब जीजू के साथ डिनर किया या नहीं? अच्छा और डिनर से पहले जीजू के साथ डांस किया? हाँ? अरे हाँ याद आया, अब जीजू तो आपको यार्ड पे समुद्र के बीच ले जाके सॉलिटेयर रिंग पहनाने वाले थे, पहनाया ना? आपको कितने अच्छे और लविंग हस्बैंड मिले हैं ना, जो आपकी हर पसंद और नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं। अब आप देखना आपको ना पूरी लाइफ ऐसे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे जीजू से। डाइवोर्स? हाँ, हमें आपसे डाइवोर्स चाहिए। हेलो दीदी, नंदिनी देख के तो चलिए, कहीं आपके पैर पे गिर जाता तो। Thank you.
बेटा आपको नालागढ़ जाना होगा. नालागढ़? हाँ, दिल्ली से 300 किलोमीटर एक गांव है बेटा. आपके पिता वहां जाया करते थे. वहां के लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया. हम चाहते हैं कि आप नालागढ़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें. आप वहां जाएंगे बेटा तो वहां के वोटर्स आपसे जुड़ेंगे. हम चाहते हैं कि आप वहां थोड़ा सा वक्त बिताएं. पर मां, हम अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगे? बेटा जब आप मुंबई के बागी एमएलए पाटिल को यहां से बैठे बैठे हैंडल कर सकते हैं तो ये कैंपेन भी बखूबी हैंडल कर सकते हैं. एक ही दिन की ट्रिप है बेटा. नालागढ़ से शुरू होगी और बाकी सारे गांव कस्बों को कवर करते हुए जाएगी. पर मां, हमारा म्यूजिक क्लास, आप तो जानती है ना कि म्यूजिक कॉम्पिटिशन सर पे है और आप भी तो यही चाहती है ना कि हम ये म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीते. जरूर चाहते हैं बेटा, इसीलिए हमने आपको इसके लिए मनाया भी है. बस एक दिन की बात है बेटा, आप लौट कर आएंगे और अपने रियाज में फिर लग जाइएगा. बेटा ये मत भूलिए कि आपके सपने के साथ साथ आपको अपने पिता का सपना भी पूरा करना है. नालागढ़ वाले तो अपने युवराज की एक छलक पाने के लिए नजरें बिछाए बैठे. बेटा रूलिंग पार्टी के सौतेले रवैये से वहां की जनता काफी परेशान है. आपको अपने बीच देखकर वो लोग काफी खुश होंगे बेटा. बेटा आखिर जनता का सच्चा नेता वही होता है जो समय समय पर जनता के आंसू पोंछता रहे, उन्हें आने वाला बेहतर कल की उम्मीद देता रहे. यही उम्मीद तो उनके जीने का सहारा है बेटा. चाहिए और देखिए कि आपको वहां कैसा रिसेप्शन मिलता है. ठीक है माँ, हम जाएंगे. अब आप कैंपेन में जाइएगा और नंदिनी यहाँ आपसे दूर रहेगी. मासा राजवीर जी को अकेले कैंपेन के लिए भेज रही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं. ये सत्ता की लालच में कुछ भी कर सकती है. अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मैं भी नालागढ़ आपके साथ चलूंगी. राजवीर जी, आपको वहां मेरी जरूरत होगी ही होगी. अगर आपका जाने का मन नहीं है तो बच जाइए, यहाँ रहकर अपना रियाज कीजिए. और अगर जाना ही है तो आपके साथ मैं भी चलती हूँ. नालागढ़ गांव है और आप इससे पहले कभी गांव गए नहीं हैं. आपको गांव में रहने की आदत नहीं है. अगर मैं आपके साथ चलूँगी तो आपके ज़रूरतों का ख्याल भी रख पाऊँगी. मेरी मानिए, मुझे साथ में लेकर चलिए. ये क्या बात हुई? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप ही की. राजवीर जी, Will you keep your mouth shut? आप मेरे साथ कहीं नहीं आ रही. Is that clear? आप समझ क्यों नहीं रहे मैं कह रही हूँ? जितना समझना था हम सब समझ चुके. वहाँ हमें अपने टूटे हुए रिश्ते की नुमाइश नहीं करनी. वहाँ के भोले भाले लोगों के सामने हमें आपके पति होने का नाटक नहीं करना. जबकि इस रिश्ते की एक्सपायरी डेट हम अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है. समझिए आप. यही ठीक रहेगी. अब युवाओं को लुभाना जो है. एब्सोल्युटली मैम, आज का यूथ भी नमस्ते दुआ सलाम से ज्यादा हाय हेलो और बाय से रिलेट करता है. और वैसे भी हमारा टारगेट नालागढ़ का एस्पायरिंग यूथ है. यही भेज दीजिए. पीआरपी के गढ़ में जा रहे हैं राजवीर. शहर से दूर उस माहौल में पॉलिटिक्स का ABCD वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. राइट मैम, उन्हें वहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. अकेले जो होंगे. हाँ वो तो है, एक्सपीरियंस तो होगा ही उन्हें. पर पॉलिटिक्स को लेके राजवीर के अंदर जो थोड़ी सी झिझक है वो धीरे धीरे हमें ऐसे ही दूर करना होगा. अबे आप ऑर्गेनाइजर से कहिए कि राजवीर वहाँ पहुँच के एक छोटी सी स्पीच देंगे और फिर निकल जाएंगे. किसी से भी किसी तरह का मेल मिलाप नहीं करेंगे. बट मैम, यही मेल मिलाप तो जरूरी होता है.
खाब है, पर आप जानते हैं ना राजवीर कितने हाइजीन कॉन्शियस हैं। किसी से मिलने के बाद सैनिटाइजर यूज करते हैं, और अब गांव वालों को तो जानते ही बिना मतलब के प्यार और अपनापन बरसाना शुरू कर देते हैं। अगर राजवीर ऐसे लोगों के बीच में गए तो लोग उन्हें छुएंगे, हाथ लगाएंगे, और राजवीर को ये बर्दाश्त नहीं होगा। अबे गांव वाले उन्हें खाना खिलाना चाहेंगे जो अनहाइजीनिक होगा, राजवीर खाएंगे ही नहीं। ऐसे में बताइए उनके सामने राजवीर की क्या छवि बनेगी। बेहतर यही होगा कि राजवीर उनसे दूरी मेंटेन रखे। यू आर राइट मैम। और इस सब के अलावा भी अभय आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं कि हम एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। नंदिनी को भी राजवीर से दूर रखना होगा। अब है ये जो पिक्चर्स हैं आप प्लीज प्रिंट करवाने के लिए भेज दीजिए। श्योर मैम। क्या बदतमीजी है ये, इस तरह बिना दस्तक दिए आप हमारे रूम में कैसे चली आई। ये मत भूलिए कि आप इस घर में चंद दिनों की मेहमान हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें। मासा, जब तक तलाक नहीं हो जाता मैं नंदिनी राजवीर रघुवंशी इस परिवार की सदस्य जैसे कि आप मेहमान नहीं। और रही बात यहाँ बिना दस्तक आने की, तो ये इस घर का कॉमन स्टडी आपका बेडरूम नहीं। अब आप मुझे बताइए आप राजवीर जी को नालागढ़ गांव अकेले क्यों भेज रही है कैंपिंग के लिए? क्या इस बार भी उन पर हमला करवाने का इरादा है? नंदिनी ये जबान को लगाम दीजिए। जो उस वक्त हुआ वो उस वक्त की जरूरत थी, और कहीं ना कहीं इस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। उस वक्त जो हमने किया राजवीर के राजनीतिक फायदे के लिए किया, और उससे उनको फायदा भी हुआ, लोगों के दिलों में सहानुभूति जागी, और अब भी जो हम कर रहे हैं अपने बेटे के फायदे के लिए कर रहे हैं। और आप हैं जो राजवीर के रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। आपकी वजह से उनकी पॉलिटिकल ग्रोथ रुक गई। काश के हमें शादी से पहले अंदेशा होता तो आपको बहू बनाना तो दूर, आपकी परछाई भी राजवीर पर नहीं पड़ने देते। अब सिर्फ नुकसान का सौदा बनकर रह गई है हमारे लिए। प्रोजेक्ट पांडे हमारे किसी काम नहीं आया। ये तो होना ही था ना मासा, भोले भाले परिवार के साथ धोखा करने वालों का भगवान भी साथ नहीं देता। ताजुब तो मुझे इस बात का हो रहा कि आपको आपके बेटे के फीलिंग्स की भी कदर नहीं रही। नंदिनी आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आखिर राजनीति में कामयाब वही होता है जो मतलबी होता है, प्रैक्टिकल होता है। सत्ता दिल से सोचने वाले को कब हासिल होती है? चलिए अब आप जाइए यहाँ से, बहुत काम है हमें, बहुत टाइम वेस्ट किया है हमारा। राजवीर कल सुबह निकल रहे हैं, हमको बहुत तैयारी करनी है। मैं राजवीर जी को वहाँ जाने नहीं दूंगी। ठीक है तो रोक लीजिए उन्हें। अगर वो नहीं रुके तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। इसकी इजाजत हम आपको नहीं देंगे। तब भी मैं जाऊंगी। अच्छा कैसे जाएंगी उनके साथ, जो आपको एक नजर देखना भी नहीं चाहते, आपको आस पास भटकने भी नहीं देंगे। देखते हैं आपकी मुराद पूरी होती है या नहीं। खड़ी होके मुंह क्या देख रही है हमारा, जाइए यहां से। हेलो श्रीवास्तव जी, राजवीर आपके पास पहुंच जाएंगे 11 बजे नालागढ़ जी। थैंक यू।